मदर्स मिल्क, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक लड़की को किडनैप कर लेता है। लेकिन क्यों, ये जानेंगे हम आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकफास्ट बनाकर खा रहा है और फिर वो उसे खत्म करके एक रूम में जाता है जहां पर एक लड़की बंधी हुई थी और फिर वो उसे बॉक्स में बंद करके वहां की सफाई करता है, यानी कि ये लड़की अब मर चुकी थी। इस आदमी का नाम था क्लॉड, जो कि एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का टीचर था। क्लॉड की नजर अपने लेक्चर में भी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पर जाती थी, जिसे ये गर्ल्स भी नोटिस कर लेती है। जब क्लॉड अपने घर पर होता है तब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोस देखता रहता है। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ एक लेडी अपने बच्चे को अपनी छोटी बहन किम के पास छोड़कर रनिंग के लिए चली जाती है, जिसके कुछ समय के बाद किम उस बेबी को पासी के एक गार्डन में वॉक पर ले जाती है और इसी पार्क में क्लॉड भी आया था। क्लॉड किम के पास में एड्रेस जानने के बहाने आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ गाड़ी में डालकर ले जाता है और किम की सिस्टर का बेबी वहीं पर अकेला था गार्डन में। किम को घर लाकर क्लॉड उसके हाथ पर और मुंह खोलता है तो किम उससे बच्चे के बारे में पूछती है और यहीं से क्लॉड को यह पता चलता है कि वो बच्चा किम का नहीं है, जबकि क्लॉड उसे उस बच्चे की माँ समझकर उठाकर लाया था। जिसे सुनने के बाद में क्लॉड थोड़ा निराश होता है और फिर क्लॉड किम के लिए कुछ खाने का लेने के बहाने यहाँ से चला जाता है। क्लॉड के जाने के बाद में किम अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक मजबूत चेन से बंधी हुई थी। फिर नेक्स्ट डे जब किम की नींद खुलती है तो क्लॉड उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है और किम उसे यहाँ पर लाने का कारण पूछती है, जिस पर वो उसे एक अजीब सा रीजन बताता है उसे किडनैप करने का। क्लॉड किम से कहता है कि वो उसे यहाँ पर उसकी नरिशिंग मदर बनाने के लिए लाया है, मतलब कि वो उसे यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाया है। लेकिन किम अभी तक माँ नहीं बनी थी, जिसके बाद में क्लॉड किम से थोड़ी बातें करता है और उसकी डिटेल्स लेता है, क्योंकि किम को अब यहीं पर रहना था। किम को पता चल गया था कि वो पहली लड़की नहीं है जो कि यहाँ पर आई है, जिससे क्लॉड मार चुका है, और अब किम ये जानने के बाद में बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि क्लॉड उसे न मार दे। जिसे सुनने के बाद में क्लॉड किम से वादा करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो उसे एक दिन छोड़ देगा। क्लॉड किम को ब्रेकफास्ट खाने के लिए देता है, लेकिन किम उसे नहीं खाती, जिसके बाद में वो किम के फिर से हाथ और मुंह को बांध देता है, क्योंकि वो अब जो उसके साथ में करने जा रहा था वो किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्लॉड किम को दीवार के सहारे बांधकर उसके ब्रेस्ट की मसाज करता है, लेकिन किम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। किम लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी और वो एक नॉवल लिखना चाहती थी, और क्लॉड उसे लिखने के लिए नोटबुक और पेन लाकर दे देता है। फिर वो किम को ये बताता है कि उसकी बहन का बच्चा सही सलामत अपने घर पर पहुंच गया है, और ये सुनने के बाद में किम थोड़ा रिलैक्स फील करती है। शाम को क्लॉड डिनर के समय किम को खाने के लिए एक स्पेशल टाइप का लीवर ऑफर करता है, जिसे किम नहीं खाती, और ये देखकर क्लॉड को गुस्सा आ जाता है। वो किम को वापस उसके बेड से बांध देता है और वो उसके सामने कई अलग अलग तरह की डिशेज मजे ले लेकर खाने लगता है। किम 2-3 दिनों से भूखी थी और क्लॉड को खाता हुआ देखकर उसका मन मचल रहा था, लेकिन क्लॉड उसे एक स्पेशल टाइप की डिश खिलाना चाहता था। काफी देर तक ऐसा ही चलता है और फिर किम क्लॉड से कहती है कि वो सब कुछ खाने को तैयार है जो कि क्लॉड उसे खिलाना चाहता है। क्लॉड चेक करने के लिए लीवर से बनी उसी डिश को जमीन पर फेंक देता है, जिसे किम खाने के लिए दौड़ती है, और किम को ऐसा जानवर जैसा खाता हुआ देखकर क्लॉड उसे दूसरी प्लेट में वही डिश खाने को देता है। और फिर अगले दिन क्लॉड ये देखता है कि किम को लिखने से ज्यादा स्केचिंग में इंटरेस्ट है और वो उसे ड्राइंग पैड और क्रेयॉन्स लाकर दे देता है, जिससे कि किम बस यही लिखती है आई विल किल यू और उसे रंगों से छुपा देती है। क्लॉड को ब्रेस्ट फीडिंग करनी थी और वो अनजाने में एक कुंवारी लड़की को उठाकर ले आया था जो कि ब्रेस्ट मिल्क डेवलप नहीं कर सकती थी, और इसीलिए क्लॉड उसे आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेस्ट मिल्क को डेवलप कराना चाहता था, जैसे कि उसे अलग अलग टेबलेट्स देकर, उसके ब्रेस्ट की रोज मसाज करके और उसे अलग अलग तरह की डिश देकर, जिसमें कि वो लीवर वाली डिश भी शामिल थी। किम क्लॉड से कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, जिस पर क्लॉड उसे कहता है कि वो उसे स्टेरॉइड देकर उसके हार्मोन्स डेवलप करवाएगा और अगर ये सब भी काम नहीं आया तो प्रेगनेंसी इसका लास्ट ऑप्शन होगा। किम अक्सर ड्राइंग में यही लिखती थी कि आई विल किल क्लॉड, ताकि उसे ये याद रहे कि वो यहाँ से कैसे निकल सकती है। तभी क्लॉड उसकी ड्राइंग चेक करता है और किम उसे रंगों से छुपाकर एक सूरज की डिजाइन बना देती है। वो क्लॉड से कहती है कि ये एक सूरज है और इसे देखकर उसे सूरज की याद आती है, क्योंकि उसने सूरज कई दिनों से नहीं देखा है। और फिर क्लॉड उस ड्राइंग को दीवार पर ही टांग देता है। किम यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग करती है और खुद को एक्सरसाइज करके फिजिकली स्ट्रांग भी बनाती है, कब उसे किसकी जरूरत पड़ जाए। क्लॉड किम को बस कपड़े चेंज करते टाइम ही खोलता था जब वो पूरी तरह से आजाद होती थी, और किम इसको नोटिस कर लेती है। फिर क्लॉड किम को सूरज दिखाने पहली बार बाहर लेकर जाता है और वो उसे ही बताता है कि बचपन में उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए और उसकी माँ अल्कोहलिक हो गई। फिर एक दिन जब उसकी माँ बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो क्लॉड से गलती से उसके घर में आग लग गई। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए उसे उठा रहा था, लेकिन उसकी मॉम बहुत ज्यादा नशे में थी और वो अपनी नींद से नहीं जाग पाई। क्लॉड तो बच गया, लेकिन उसकी माँ आग में जलकर उसी घर में मर गई। फिर एक दिन क्लॉड किम के पास आता है रूम में एक बड़े से इंजेक्शन में अपने सीमन को लेकर, जिससे कि वो किम को प्रेग्नेंट कर सके। किम क्लॉड को ऐसा करने के लिए मना करती है और वो उससे कहती है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इतना नीचे गिर सकता है, वो ये सब किसी बाजारू औरत से भी करवा सकता है उसे कई सारे पैसे देकर, जिसके जवाब में वो ये कहता है कि वो ये सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और अगर किम ये सब करने के लिए मना करती है तो वो खुद उसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा। किम को ये पता था कि क्लॉड थोड़ा सनकी है और वो अपनी बात मनवाने के लिए उसे मार भी सकता है। और फिर फाइनली किम उस इंजेक्शन से क्लॉड के सीमन
को इंजेक्ट करती है जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो सके। किम अब क्लॉड के साथ में थोड़ा थोड़ा कॉपरेट कर रही थी और फिर एक दिन क्लॉड बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आता है और किम को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो अक्सर उसके सपनों में आती है जो कि उसे सोने नहीं देते हैं और वो किम से प्यार भी करने लगा है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन किम क्लॉड से आइसक्रीम और आचार खाने के लिए मांगती है। क्लॉड समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और मन ही मन खुश होता है। क्लॉड मार्केट से आइसक्रीम और अचार के साथ साथ किम के लिए मेकअप की किट और उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस भी लेकर आता है, लेकिन किम उससे कहती है कि वो उस ड्रेस को तभी पहनेगी जब वो उसके लिए एक बड़ा सा आईना लेकर आए उसे देखने के लिए। क्लॉड किम की सारी डिमांड को पूरी कर देता है और फिर एक दिन दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। क्लॉड किम के लिए महंगी महंगी वाइन्स लेकर आया था, लेकिन किम बस कमियां निकाल रही थी और क्लॉड कहता है कि वो उसके लिए इतना सब कर रहा है जबकि वो उसे मानना चाहती है क्योंकि वो उसके ड्राइंग वाले मैसेज को पढ़ चुका है। क्लॉड किम से अब प्यार करने लगा था, लेकिन किम को घर जाना था अपनी फैमिली के पास में। क्लॉड आगे ये कहता है कि उसे किम को यहाँ पर नहीं लाना था और उसके पास बस एक तरीका है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का। सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि क्लॉड को अक्सर बुरे सपने आते हैं जिसमें वह खुद को अपनी माँ के साथ में देखता है ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए, लेकिन अब उसके सपनों में उसकी माँ के साथ साथ किम भी आने लगी है जो कि उसे सीड्यूस करती है। क्लॉड अपने सपनों से तंग आकर आधी रात को अपनी नींद से उठता है और वो सीधा किम के कमरे में जाकर उसे दीवार के सहारे बांध देता है और उसके ब्रेस्ट से दूध पीने की कोशिश करता है, लेकिन किम के ब्रेस्ट अभी भी मिल्क को डेवलप नहीं कर रहे थे और गुस्से में आकर क्लॉड किम के ब्रेस्ट पर दांत गड़ा देता है और वहाँ का मांस काट कर निकाल देता है जिससे कि किम को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वो दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और फिर क्लॉड को बाद में अपने किए पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किम बैठी हुई थी और उसके ब्रेस्ट पर बैंडेजेस लगी हुई थी और किम के घाव अब थोड़े ठीक थे, लेकिन वो अभी भी शॉक में थी और उसे ये डर था कि क्लॉड उसे कभी भी मार देगा। फिर एक दिन क्लॉड अपने फ्रेंड डेविड के साथ में दो दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहा था एक मैच को देखने के लिए और किम क्लॉड के जाने से पहले डिनर में एक स्टेक की मांग करती है क्योंकि मीट के स्टेक में एक बड़ी सी हड्डी होती है। फिर क्लॉड किम को डिनर में स्टेक देकर चला जाता है जिसे किम जल्दी जल्दी साफ करती है और बड़ी वाली हड्डी को निकाल लेती है क्लॉड को मारने के लिए। और फिर क्लॉड जब वापस से किम के कमरे में आता है तो किम उस बड़ी सी हड्डी से क्लॉड की गर्दन पर हमला कर देती है जिससे कि क्लॉड घायल हो जाता है। क्लॉड जल्दी से किचन में जाकर अपने गले पर बैंडेजेस लगाता है और उसे वहाँ पर वो सब याद आता है जो कि उसने किम के लिए किया, जिसके बाद में क्लॉड किचन से एक बड़े से चाकू को निकालता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड क्लॉड को लेने के लिए आया था और अंदर क्लॉड मरा हुआ पड़ा था। क्लॉड ने खुद का गला काटकर अपने आप को मार लिया था और अंदर किम बस चिल्लाई जा रही थी। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि किम अपने घर पर है अपनी सिस्टर के साथ में और वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी, जिसके बाद में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज, मूवी बेस्ड है एक साइकोपैथ आदमी क्लॉड के ऊपर जिसने अपने बचपन में अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया, लेकिन उसके बड़े होने तक उसे ये लगता था कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत है। क्लॉड की ये बीमारी बस मेंटली थी, उसे ये लगता था कि ब्रेस्ट फीडिंग से उसके सपने बंद हो जाएंगे और वो इसीलिए पार्क से किम को पकड़कर लाया था क्योंकि वो एक बच्चे को घुमा रही थी, लेकिन क्लॉड को बाद में पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है और वो उसे आर्टिफिशियली तरीके से प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है ताकि किम उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके। दोस्तों, आपको ब्रेस्ट फीडिंग सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कई कंट्रीज़ में ब्रेस्ट मिल्क को बेचा जाता है और कई सारी प्लेसेस पर तो डायरेक्ट ब्रेस्ट से फीड करने के लिए लोग कई सारे पैसे भी देते हैं और औरतें खुद अपनी मर्जी से अपनी ब्रेस्ट फीड करवाती है। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।